नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सेना के सिपाही को सलाम करेंगे अग्निवीर, ये सैनिकों के मनोबल पर है वार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। ठग सुकेश का नया दावा, बीजेपी के दबाव में आकर लिखी थी चिट्ठियां, केजरीवाल बनाए ऐसा बयान देने का दबाव। बिहार में जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों में बड़ा हेरफेर, एनसीआरबी डेटा में 2016 से 2021 के बीच महज 23 मौतें, असल संख्या 200 पार। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र कर्नाटक के सीएमएस की बात हो, सार्वजनिक सीमा विवाद पर अजित पवार की मांग। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की खरी खरी बोले, सेना बॉर्डर पर दुश्मनों से निपटने और बॉर्डर के अंदर दुश्मनों से भी निपट लेंगे। नई बाज आ रहा है पाकिस्तान, पंजाब के गुरदासपुर में फिर दिखा ड्रोन जवानों के फायरिंग के बाद वापस लौटा पाक। झारखंड के दिलदार ने प्रेमिका के 50 टुकड़े कुत्ते खा रहे थे मांस, अब तक नहीं मिला सिर, शव के टुकड़े बटोर रही है पुलिस। अंकिता पर था वीआईपी गेस्ट की स्पेशल सर्विस का दबाव, सोमवार को एसआईटी कोटद्वार में दाखिल करेगी 500 पेज की चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा मामलों का बोझ न डाले सरकार, 73वें संविधान दिवस समारोह में बोले अटॉर्नी जनरल। एमवीए के विरोध में मार्च फडणवीस ने बताया नैनो मोर्चा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा उठाना। चीन पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 7 सवाल, जयराम रमेश बोले प्रधानमंत्री देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी का जीत के लिए गेम प्लान, पूरे राज्य में बनेगी पन्ना समितियां, गुजरात में इसी फॉर्मूले पर मिली रिकॉर्ड जीत। ऑनर किलिंग पर सीजीआई का बयान, कहा लव अफेयर और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से होती है हत्याएं। सिद्धरमैया का आरोप, मोरल पुलिसिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं मुंबई, दक्षिण कन्नड़ में 8 घटनाएं आई सामने। केरल हाईकोर्ट ने कहा इंडोसल्फान पीड़ितों की दुर्दशा से बेखबर नहीं रह सकती अदालत और सरकार। गाजियाबाद के रास्ते यूपी आएगी राहुल गांधी की यात्रा, 3 जनवरी को होगी एंट्री, यूपी रूट को लेकर दिल्ली में मंथन। पीएसी सिपाही से लिए थे तमंचे और कारतूस, बरेली में पुलिस चौकी में सिपाही को गोली मारने की घटना में दोनों हमलावरों से पूछताछ में खुला राज। आगरा में चांदी कारोबारी के घर आईटी की रेट, 3 करोड़ की आय घोषित आय और 10 करोड़ रुपए का स्टॉक मिला। पीएम मोदी पर टिप्पणी पर भाजपाइयों में आक्रोश, बहराइच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी भी की। फरुखाबाद में अज्ञात वाहक ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, दोनों चचेरे भाई ढाबे पर खाना खाकर लौट रहे थे वापस।
युवक को दौड़ाकर बीच चौराहे पर चाकू से गोदा। 9 महीने पहले हुई थी मारपीट, इंस्टाग्राम रील बनाना देर था धमकी, 300 मीटर दौड़ाकर हत्या की। भदोही सड़क हादसे में वृद्ध की हुई मौत, गोपुर चौराहे पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दुकान से घर जा रहा था वृद्ध। रायबरेली में हत्यारोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर, 15 दिन पहले दी गई थी नोटिस, बिना नक्शा पास कराया हुआ था निर्माण। अमेठी में लोगों के प्रदर्शन के बाद नाली निर्माण शुरू, 1 माह पहले वार्ड के बाहर लगाया गया था मतदान बहिष्कार का बोर्ड। फिरोजाबाद में डीएम ने रेन बसोरे का किया निरीक्षण, गरीब असहाय लोगों को वितरित किए कंबल, बच्चों के लिए स्वेटर दिया। रायबरेली में सामुदायिक शौचालय पर लटक रहे ताले, ग्रामीण बोले बनने के बाद भी नहीं खुल रहा है ताला, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अनजान। श्री बालाजी सरकार स्वामिनी हवन में उमड़े श्रद्धालु, शहरी कार्य के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बाबा से लगाई अर्जी। छात्रा में एटीएम उखाड़कर चोरी करने की कोशिश, गैस कटर समेत चोरी करने वाले औजार बरामद, सीसीटीवी खंगाली में जुटी पुलिस। बस्ती में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल बदहाल, चिकित्सा सुविधाएं विशेषज्ञों के अभाव में बंद पड़े अल्ट्रासाउंड। गैस चूल्हा जलाते ही धमाका, दंपत्ति और बेटा बेटी झुलसे, झांसी में धमाका से घर की दीवार गिरी, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। मेरठ में रेलवे क्रॉसिंग पर युवक को मारी गोली, 2 किलोमीटर बाइक चलाकर खुद अस्पताल पहुंचा, ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने निकाली पीठ से गोली। सिंगापुर की कंपनी बनाएगी 8000 करोड़ में डेटा सेंटर, एचजीएल कैपिटल के साथ एमओयू साइन, 2000 लोगों को मिलेगी जॉब। टूरिस्ट बस में सवार 13 लोग घायल, वाराणसी में महाराष्ट्र के श्रद्धालु की बस ट्रक से टकराई, घायल बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती। उन्नाव में हेड कांस्टेबल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, गवाहों के कागजात तस्दीक कराने के एवज लिए पैसे, सीओ सफीरपुर को सौंपी गई जांच। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की टक्कर, 3 की मौत, 13 लोग घायल, एमपी और प्रतापगढ़ से यात्रियों को लेकर जा रही थी दिल्ली। उन्नाव में होटल ढाबों पर शराब के खिलाफ छापेमारी, एसडीएम ने सीसीटीवी और विद्युत कनेक्शन की जांच की, अवैध शराबी पकड़ी। जेवर में कोतवाली घेरने आए लोगों पर एसएचओ बिफरे, जानकारी मांगने पर कहा जेब में लड़की थोड़ा रखी है, लाकर दे दो। उन्नाव में लगा रात्रि चौपाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, लाभार्थियों को वितरित की खतौनी। कोंडा में बहुचर्चित जमीन घोटाले में 3 गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से कराया था बैनामा, 1 आरोपी की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। हरदोई जेल में जज और डीएम ने देखी व्यवस्था, बोले गंभीर बीमार कैदियों को लखनऊ इलाज कराएं, बंदियों से सुविधाएं की ली जानकारी। आजमगढ़ में पड़ोसी ने 2 भाइयों को मारी गोली, 1 भाई की मौके पर मौत, पेट और गर्दन पर लगी 4 गोलियां, दूसरा घायल।
कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, मथुरा पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ा, 10 साल के बेटे पर भी किया था हमला। थाने तक पहुंचा विदेशी तोते का मामला हुआ दिलचस्प, फैसला 60,000 रुपए कीमत लगने पर दो पक्षों में विवाद, तोता के मम्मी पापा बोलने पर सुलझा। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अफसरों से होगी पूछताछ, अजय मिश्र के करीबी संतोष को कैसे मिला ठेका भेजा गया जेल। कानपुर में व्यापारी के घर 14 लाख का डाका, पत्नी के बच्चों को मुंह में बांधा टेप, महिला ने विरोध किया तो चापड़ से मारा। उत्तराखंड में ठगी का अनोखा मामला, महंगे होटलों में रुककर उठाए आलीशान जिंदगी का लुफ्त, बिल चुकाने का समय आया तो हुआ गायब। उत्तराखंड में भाजपा की चुनावी रणनीति को उधार देंगे 20 वॉर रूम, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाया गया प्लान। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कर दिया ऐलान, कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा चुनाव लड़ सकते हैं। जीएसटी चोरी में देश में पहली सजा, उत्तराखंड में फर्म संचालक को 5 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड में 1.5 माह से लापता था रजाई, गद्दे की फेरी लगाने वाला तबरेज गांव में गड्ढा खोदा तो उड़ गए पुलिस के होश। देहरादून पहुंचे पंजाबी गायक परमीश सुने उमड़ी भारी भीड़, दर्शकों ने नहीं मानी उनकी अपील तो पीछे में ही चले गए छोड़कर। उत्तराखंड में पारा लुढ़का, पहाड़ों के बीच बढ़ी ठिठुरन, मैदानों में शीतलहर की चेतावनी। उत्तराखंड में होटल में जुआ खेलते 27 गिरफ्तार, 12.53 लाख की रकम बरामद, आरोपी में उत्तर प्रदेश के कारोबारी भी शामिल। पीएम मोदी पर टिप्पणी से उत्तराखंड में उबाल, मुख्यमंत्री ने कहा बिलावल भुट्टो का बयान भारत के लोगों का अपमान। वंतरा प्रकरण में एसआईटी ने भेजी 500 पन्नों की चार्जशीट, बनाए 100 गवाह, सोमवार को कोर्ट में होगी दाखिल। कड़ाके की ठंड से उत्तराखंड में मौसम का सितम, नीति घाटी में -15 डिग्री पहुंचा तापमान, जमी नदी नाली और झरने। उत्तराखंड में खुद उजाड़ा अपना सुहाग, 3 साल बाद ससुराल लौटी शराब पीने को लेकर हुआ विवाद तो घोट दिया पति का गला। उत्तराखंड में शातिर ठग गिरफ्तार, आलीशान होटलों में रुककर पूरे करता था शौक, बिल देने के वक्त होता हो गया फरार। उत्तराखंड में आरटीओ का स्टिंग ऑपरेशन, यात्री बनकर बस में किया सफर, चालक कंडक्टर के हाल देखकर चढ़ा पारा। उत्तराखंड में 8वीं अंतरविभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आगाज, सीएम धामी ने खेलकर किया शुभारंभ। सीआईए चीफ का बड़ा बयान, बोले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी की चिंताओं का रूस पर बड़ा असर। उत्तर कोरिया ने फिर किया ब्लास्टिंग मिसाइल का परीक्षण, दक्षिण कोरिया का दावा।
इमरान खान ने फिर साधा जनरल बाजवा पर निशाना, कहा उनके सरकार को एक साजिश के तहत गिराया गया। जीरो कोविड पॉलिसी में छूट के बाद चीन में कोरोना का कहर, बीजिंग ने दाह संस्कार के लिए मारामारी। थाईलैंड के राजा और रानी दोनों कोरोना पॉजिटिव, राजकुमारी का हाल जानने के लिए गए थे अस्पताल। ईरान में ऑस्कर विनिंग फिल्म की एक्ट्रेस गिरफ्तार, बिना हिजाब पहने फोटो पोस्ट की, लिखा था जिंदगी और आजादी। पाकिस्तान के भारत को परमाणु हमले की धमकी, महिला मंत्री बोली हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को नहीं मिलेगा ग्रीन कार्ड, ईगल एक्ट खारिज हुआ, अमेरिकी नेता बोले एक्ट लागू हुआ तो भारत का दबदबा बढ़ेगा। कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप पर 3 केस दर्ज होंगे, पैनल की जांच पूरी, टैक्स से जुड़े मामले पर 20 दिसंबर को फैसला। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र से है गहरा कनेक्शन। जीएसटी काउंसिलिंग में 48वीं मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं हुई, बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% से 5% किया गया। ट्विटर ने पत्रकारों के सस्पेंड अकाउंट को किया रिस्टोर, एलन मस्क बोले सभी अकाउंट्स को सस्पेंशन हटाया गया। प्योरीवी ने पेश की अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक, इकोड्राफ्ट में मिलेगी 130 किलोमीटर की रेंज, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। चैट जीपीटी के सामने फीका पड़ा गूगल, चाहे ईमेल लिखवा लो या कविता, हर सवाल का सटीक देता है जवाब। स्विगी से मंगवाए 16 लाख का राशन, दिलदार बॉस ने कर्मियों के लिए ऑर्डर किए 71,000 के बर्गर। हाउसिंग स्कीम के लिए निवेशकों से 27 करोड़ रुपए की ठगी, मुंबई पुलिस ने पंजाब के बिल्डर को पकड़ा। केंद्र ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव देने की बढ़ाई तारीख, अब 2 जनवरी तक दे सकेंगे फीडबैक। वर्ष 2022 में गौतम अडानी दुनिया में सबसे व्यस्त कारोबारी रहे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा। बीएसएनएल को लेकर अश्विनी वैष्णव का बयान, यूपीए सरकार के दौरान बीएसएनएल को दुधारू गाय समझकर किया गया अत्याचार। सार्वजनिक खर्च के जरिए ग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस होगा बजट, निर्मला सीतारमण ने दिया संकेत। भारत ने बांग्लादेश से पहला टेस्ट जीता, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में साउथ अफ्रीका को हरा, 6 विकेट से जीते कंगारू, मैच में 504 रन बने, 34 विकेट गिरे। बांग्लादेश पर भारत की जीत के बाद शाबकी ने दी प्रतिक्रिया, बोले बल्लेबाजी के लिए ये बहुत अच्छी विकेट थी, लेकिन हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की।
इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, खतरे में पीसीबी चीफ रवि जडेजा की कुर्सी। मैदान पर भारी ड्रामा, सिराज और लीटन दास भिड़े, कोहली ने उड़ाया बांग्लादेशी बैटर का मजाक। किसान के अजहर अली ने किया संन्यास का ऐलान, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट होगा अंतिम मैच। भारत बना ब्लाइंड T20 क्रिकेट कप का चैंपियन, लगातार तीसरी बार उठाए खिताब सुनील रमेश और अजय कुमार के शतक। क्रोएशिया को ब्रॉन्ज मेडल, मोरक्को को थर्ड प्लेस मैच में हराया, ग्वार्डिलो और आर्सेस ने दागे गोल। कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान 304 पर ऑल आउट, 18 साल के रेहान अहमद ने दो विकेट, इंग्लैंड का स्कोर 7-1। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल को स्पेन में हराकर जीता खिताब, गुरजीत रही मैच के स्टार। अभिषेक की टीम ने जीता कबड्डी सीजन 9 का खिताब, अभिषेक बच्चन ने भरे स्टेडियम में ऐश्वर्या आराध्या को लगाया गले। पठान कंट्रोवर्सी के बीच फैंस से मुखातिब हुए शाहरुख, सवालों का जवाब देते हुए बोले घर से खाना खाकर पठान को देखने जाना। फूलों से हुआ मनोज तिवारी की बेटी का स्वागत, अब तक 3 बेटियों के पिता बन चुके हैं मनोज, 2020 में की थी दूसरी शादी। पठान के सपोर्ट में आ गया ITMC सांसद नुसरत जहां, बोली भला ये लोग हमें बताएं कि आज महिलाओं को क्या पहनना है। कजन की सगाई में जमकर नाची शनाया कपूर, ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी गॉर्जियस, डांस में पापा संजय कपूर को दी कड़ी टक्कर। श्रद्धा कपूर ने उठाए टेस्टी खाने का लुत्फ, वीडियो देख यूजर्स बोले कोई खाते वक्त भला इतना क्यूट कैसे हो सकता है। शाहरुख ने बताया पठान क्यों देखे, यूजर का सवाल, यह मूवी देखना क्यों जाना चाहिए, सरकर का मजा आएगा इसलिए। सोनू सूद एक बार फिर बने गरीबों के मसीहा, ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी से जूझ रहे लोगों का कराएंगे इलाज। गोलमाल 5 बनने पर बोले तुषार कपूर, कहा ये सब रोहित शेट्टी पर निर्भर हुए इस जहाज के कप्तान हैं। एयरपोर्ट पर बॉडीगार्ड लेदर में पहुंची जानवी कपूर, कैटरीना विक्की भी स्पॉट में, बेटे यू के साथ दिखी काजोल। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।